गांव गांव में होली आई गली गली में फाग, गांव गांव में होली आई गली गली में फाग, ढोल झाल मृदंग पिटाता जाग जुगीरा जाग, बोलो सारा रारा हाय जुगीरा सारा रारा हाय जुगीरा सारा रारा जुगीरा सारा रारा जुगीरा सारा रारा 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 रा हे फगुआ आइल, हे फगुआ आइल मनबौर आइल बुढ़वा फाने बाढ़, भगुआ आइल मनबौर आइल बुढ़वा फाने बाढ़, ऊंच नीच के भाव मिटलबा ऊंच नीच के भान मिटलबा, टूटल उनकर डाल जुगेरा सारा रारा हाय जुगेरा सारा रारा हाय जुगेरा सारा रारा। राष्ट्रीय कवि संगम हजारीबाग जिला इकाई द्वारा होली मिलन समारोह सह हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन आर के विद्या मंदिर सौरभ नगर सारली में किया गया। प्रेम के रंग में गिरे जब मजहबी दीवार तब समझो कि होली है। लेतना अंकल गाया सिहरी टोली, शान है मेरी रशीले बहन तेरे हैं। हुआ कुछ ऐसा कि सबका परिचय हो गया, आपकी किसी ने बारी ही नहीं दी। दीप प्रज्वलन पश्चात कार्यक्रम का शुभारंभ रेखा झा एवं रितिका झा के सरस्वती वंदना से किया गया। देर शाम तक चल रहे इस रंगारंग कार्यक्रम में काव्य पाठ के साथ साथ होली के भजन गीत आदि की भी प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कवि संगम झारखंड के प्रांतीय महामंत्री सरोज कांत झा झारखंडी, विशिष्ट अतिथि प्रांतीय संगठन मंत्री राकेश श्रीवास्तव नाजुक, रामगढ़ के वरिष्ठ साहित्यकार चंद्रिका ठाकुर देशदीप, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी दारू के सुलोचना कुमारी एवं रामगढ़ के युवा कवि सुदीप अग्रवाल की गरिमामयी उपस्थिति रही। होली मिलन समारोह में आए हुए अतिथियों को पुष्प गुच्छ एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मंच पर हजारीबाग के वरिष्ठ कथाकार रतन वर्मा, बलदेव पांडे, प्रोफेसर गजेंद्र सिंह, मोना बग्गा उपस्थित थे। डॉक्टर प्रहलाद सिंह, रेखा झा, रिया झा, दीप शिखा शर्मा के द्वारा होली के गीतों की मनमोहक प्रस्तुति के पश्चात सभी कवियों ने अपनी कविता गीत गजल के पाठ से सभी को हास्य व प्रेम रस में सराबोर कर दिया। काव्य पाठ करने वालों में पूनम त्रिवेदी, मिलन माला, आकांक्षा कुमारी, खुशबू कुमारी, छाया कुमारी, शिखा जैन, पीयूष निश्चल, हरेंद्र कुमार, साकेत पाठक, दीपा शर्मा, अनंत ज्ञान, सुशांत पाठक सहित सभी की प्रस्तुति रही। कार्यक्रम का संचालन श्री संजय तिवारी, कार्यक्रम का समालोचन डॉक्टर बलदेव पांडे द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संयोजन राजीव चौधरी, राजीव झा द्वारा किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में समस्त सदस्यों की अहम भूमिका रही। आगत अतिथियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। काव्य पाठ करने वाले सभी कवियों को अतिथियों द्वारा मेडल प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया, जिसका जायजा लिया ब्यूरो प्रदीप पाठक ने। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। खड़े हैं सौरभ नगर के आर के विद्या मंदिर के प्रांगण में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है और आवाज डेली हर्षित टीवी पर दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि यहां कवि भी हैं और गायक भी हैं, बजाने वाले भी हैं और बजने वाले भी हैं, क्योंकि होली मिलन समारोह में ये सारी चीज देखने को मिलती है। मूर्खाधिराज महामूर्खाधिराज की एक प्रपाटी भी पहले हुआ करती थी, आज देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या रखा गया है और कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। आर के विद्यालय में होली का रंग जो आने वाला है होली उसी का टेलर है ये, और जिसको हम लोग बोलते हैं होली मिलन समारोह, उसका आयोजन किया गया है। तो विशेष हम न समझा के इनसे जानना चाहेंगे क्या हो रहा है जी। ये राष्ट्रीय कवि संगम की एक साहित्यिक गोष्ठी होली एक ऐसा पर्व है जो सभी मस्ती का पर्व परिवार के साथ के साथ, और एक कोशिश है कि जो दो साल का हम लोग का साथ था, एक डिप्रेशन का समय था, एक संकट का समय, कोरोना का समय, वहाँ से निकल के खुशी और एक उमंग के फिर जीवन में प्राप्त है, ये इसकी गोष्ठी है राष्ट्रीय कवि संगम का। आप कहाँ से हैं? मैं राष्ट्रीय कवि संगम का झारखंड प्रांत का महामंत्री। आइए, कुछ महिलाएं हैं आज होली मिलन समारोह में और इनसे बात करते हैं, कैसा लग रहा है यहाँ कार्यक्रम? बहुत अच्छा, आज आप सभी कोई मेरे प्रांगण में यहाँ उपस्थित हुए हैं और होली मिलन समारोह में बहुत दिन बाद हम लोग ये कोरोना काल के बाद हम लोग सब मिल गए, इसीलिए बहुत
आनंदित हो रहा है सब। आप लोग भी कुछ होली मिलन पर गाना चाहेंगे क्या? हाँ जरूर, हमारे बीच है दीपशिखा जी जो बहुत अच्छा गाती है, वो होली पे गाना गीत सुनाएंगे। तो आइए आपको मिलाते हैं, गायिका भी है दीपशिखा जी, और इस होली के अवसर पर जो होली मिलन समारोह है, आइए दो लाइन सुनाइए। गुलाल मोरे आई, गुलाल मोरे आई होली आई रे। आपका क्या परिचय हुआ? मेरा नाम पूनम त्रिवेदी है जी। आपका? शिखा जैन। आप? देखा जाए थोड़ा आप भी बता दें। अंबिका पांडे। अंबिका पांडे, तो ये महिलाओं की गोष्ठी लगी हुई है, ये लोग भी बहुत अच्छा गाती हैं और कवित्री भी हैं और कविता पाठ भी करती हैं। हर लोग अलग अलग अंदाज में अपने अपने प्रस्तुति देंगे। आवाज डेली हर्षित टीवी पर बने रहे, यह कार्यक्रम आपके साथ। एक और मेहमान हैं या यहाँ के व्यवस्थापक हैं, इनसे भी जाने क्या कार्यक्रम। सर, राष्ट्रीय कवि संगम हजारीबाग जिला, ये काव्य गोष्ठी है और मैं राष्ट्रीय कवि संगम का प्रांतीय संगठन मंत्री हूँ राकेश श्रीवास्तव नाजू। होली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज का कार्यक्रम बहुत ही बेहतरीन हो रहा है। हम लोग रंग के लिए, रंगों की गुलाल के लिए इकट्ठा हुए हैं और बहुत ही आनंद आ रहा है। क्या नाम हुआ? राकेश श्रीवास्तव नाजू। राकेश जी, ये बताइए, आप होली के मौसम में आए हुए हैं तो हमारे दर्शक को एक कविता ही दो लाइन सुना दें। जरूर जरूर, मैं आपको एक होली पर मेरा एक गीत है उसकी दो चार पंक्तियां आपको सुनाता हूँ। कि होली आई, होली आई, होली आई रे, आओ मिलकर मनाए सब भाई रे। होली आई, होली आई, होली आई रे, आओ मिलकर मनाए सब भाई रे। अब पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि द्वेष कलह से दूर रहे हम, द्वेष कलह से दूर रहे हम, प्यार ने भरपूर रखे हम, आँख कोई भी ना हो गीली इसका ध्यान जरूर रखे हम, सारे कष्टों की, सारे कष्टों की होगी विदाई रे। होली आई, होली आई, होली आई रे, होली आई, होली आई, होली आई रे, होली आई, होली आई, होली आई रे। उधर होली मिलन का लोग गा बजा रहे हैं और आप ये खाने पीने की जो वस्तुएं लेकर के बैठे हैं, इसका क्या राज है राजीव जी? मैं ये सभी जितने भी होली मिलन में आए हुए हैं उन सभी का व्यवस्था जो है, खाने पीने का फल, मलपुआ, मर्रा, कचरी, दुष्का, ये सभी मेरे जिम्मेवारी है, इसलिए हम उसको ये होली के उपलक्ष में जो आप ये कर रहे हैं, तो आप अभी नाच रहे थे, इसका क्या अर्थ है? नाच रहे थे कि उस तरह का माहौल बना था, होली का माहौल था, इसलिए नाच रहे थे।